हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहरीश इंस्टीट्यूट सो आज की इस वीडियो में हम अपना जैसे कि आप लोग जानते हैं अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं सो so, अगर आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं दैट्स गुड अगर आप लोग का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है बीच से अगर आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा तो आई सजेस्ट कि चैनल की प्ले में जाकर के होम साइंस का जो लेटेस्ट चैप्टर्स मैंने रिसेंटली डाल रही हूँ तो उसको देख लीजिए ताकि लाइन वाइज आपके सारे चैप्टर्स क्लियर होते हुए चलें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सो लास्ट फर्स्ट मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया था आई होप आप लोग ने इसको देख लिया होगा ठीक है साइड बाय साइड अपना सेल्फ रीडिंग और सेल्फ़ प्रिपरेशन भी आप लोग करते रहिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला काम तो मैं कर ही रही हूँ है ना तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करना हाँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मांग रहे थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं जल्द लेकर आ रही हूँ उस पर काम कर रही हूँ मैं ठीक है तो जल्दी ही अपलोड हो जाएगी ताकि आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से कर सकें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, अब थर्ड पॉइंट इसमें हमारा था रिकोगनाइजिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेज ठीक है मतलब बेसिकली आ, हमारी बॉडी में जैसे हम सब जानते हैं प्रोटीन कैल्शियम और फल फलाना बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें पता है ठीक है लेकिन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जैसे अगर बॉडी में कोई एक प्रोटीन शब्द जो है प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो है हमारे उसकी कमी अगर है तो वो उससे हमें क्या डिसीज़ हो सकती है क्या बीमारी हो सकती है वो सारे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है यू कैन also एक्सेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन by ऑब्जर्विंग द साइन एंड सिम्टम ऑफ वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी डिसीजेज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर deficiencies विल मीन पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस तो बेसिकली अगर आपको किसी तरह की कमियाँ हैं अगर न्यूट्रिशन कोई भी कम है आपकी बॉडी में मतलब बेसिकली बोला जाता है अगर हम कभी बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें खाओ ताकि आपका प्रो प्रोटीन वाली चीज़ न लो ताकि आपके जो बॉडी में प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो सके क्यों क्योंकि प्रोटीन की कमी होने की वजह से आपको ये बीमारियाँ हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं ठीक है थीके? तो इसी तरह से और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके कमी होने से हमें या फिर वो और उसके अलावा और भी और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी होने पर हमें जो बीमारियाँ हो रही हैं वो एक तरह से आ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस कहलाई जाएंगी ठीक है सो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट व्हेन द न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड इन द डाइट आर ईदर कंज्यूम बिलो द रिक्वायर्ड लेवल मतलब जैसे अभी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उसमें जो भी पोषण है अगर कम जा रहा है बॉडी में वो पोषण तो भी आपके लिए हानिकारक है वो चीज़ हार्मफुल है और अगर ज़्यादा जा रहा है ठीक है ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी तो अगर ज़्यादा जा रहा है तो भी हार्मफुल है ना सो इन इट रिजल्ट इन द स्टेट स्टेट ऑफ द न्यूट्रिशनल इंबैलेंस मतलब न्यूट्रिशन जो है इंबैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी में दिस लीड्स टू न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज तो इसका uh, क्या होगा रिजल्ट कि आपकी बॉडी में जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाए हो जाएंगी कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम या बैलेंस में ना होने की वजह से जो बीमारी आपको हो जाती है ठीक है फॉर एग्जांपल अ विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन इन डिम लाइट बेसिकली जैसे एग्जांपल दिया है विटामिन ए जो होता है हमारे आँखों मतलब जो रोशनी होती है आँखों की उसके लिए ज़रूरी होता है जैसे डिम लाइट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंधेरा या फिर जब रात का टाइम होता है तो रात के टाइम देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है दिन दिन में फिर भी वो देख लेते हैं लेकिन जब रात जैसे जैसे होती है वैसे उन्हें देखने में प्रॉब्लम होने लगती है तो कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी होती है उनके अंदर इफ़ योर डाइट डज नॉट प्रोवाइड सफिशेंट विटामिन इट विल लीड टू विटामिन ए डेफिशेंसी इन योर बॉडी तो सीधा सेस का क्या मतलब हुआ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी विजुअली आपको देखने में तकलीफ होगी और अगर ये चीज़ जो है टाइम पे एक तरह से सही ना किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा लेवल उसका बढ़ सकता है ठीक है तो इसकी कमी होने का सीधा मतलब ये होगा कि विटामिन ए की डेफिशेंसी मतलब कमियाँ हैं आपकी बॉडी में ठीक है वो ये इस तरह से कहलाई जाएगी वो चीज़ इट विल अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर आइज़ फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नॉर्मल आँखों के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा अगर ये न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिसीज़ आपको रहेगी और आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जैसे यू विल नॉट बी एबल टू सी इन द डार्क ठीक है नाइट नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको ठीक है एक शब्द में बोले तो तो आप डार्क या रात के टाइम पर आपको देख देखने में प्रॉब्लम होगी आप देख नहीं पाएंगे योर आइज़ विल लूज़ क्लैरिटी आपकी आँखों में क्लैरिटी चली जाएगी अब मोस्ट ऑफ़ दी लोगों को चश्मा लग चुका है क्यों क्योंकि उनको देखने में क्लैरिटी नहीं है दिन में भी रात में भी आँखें ब्लरिश सी हो जाती हैं इसलिए चश्मा लगाते हैं तो क्लैरिटी होती है है ना सो so, एंड मे बिकम क्लाउडी मडी मतलब मडी क्लाउडी धुंधलापन ब्लरिश्नेस इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फिर सिमिलरली यू विल सी द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज शॉर्टर एंड थिनर एज कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रेन ऑफ सेम एज इट ईटिंग सफिशेंट एनर्जी एंड प्रोटीन इन देयर डाइट इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ यहाँ पर लेकर बताया गया है जैसे एक बच्चा है जो कि प्रोटीन और एनर्जी इन दोनों की कमियाँ हैं उसके अंदर वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से गुजर रहा है ठीक है कैसे पता चला ये क्योंकि वो उसी की उम्र के और बच्चों को जब कंपेयर किया गया तो वो उसकी उनके कंपेरिजन में उस बच्चे की हाइट भी छोटी थी और काफ़ी पतला सा था वो ठीक है तो बेसिकली उसके अंदर एनर्जी नहीं थी और हाइट हाइट uh, नहीं बढ़ रही थी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी तो इन सब के थ्रू ये ऊपरी तरीके से पता करा गया कि भाई उसकी जो ग्रोथ है वो सही से हो नहीं पा रही मीन्स उसकी डाइट सही नहीं है ठीक है सच फिज़िकल डिफ्रेंसेज आर इंडिकेटिव ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी डिसीज़ इस तरह के फिजिकल डिफ्रेंसेज जो होते हैं जो कि विजुअली हम ऊपरी तौर से देख पाते हैं कि हाँ ये कंपेरिजन अगर देखा जाए सेम उम्र के बच्चे हैं लेकिन स्टिल ये क्यों इतना कमज़ोर दिख रहा है तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि हाँ शायद इस बच्चे को वो चीज़ नहीं मिल रही है जो बेसिकली इस उम्र में सारे बच्चों को मिल रही है और ये कहीं ना कहीं मैल्यूट्रिशन का शिकार है ओके सो दीज आर usually स्पेसिफिक एंड आर therefore हेल्पफुल इन recognizing डिफरेंट deficiency disease इन एंड अराउंड यू ठीक है मतलब आप अपने आस पास इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट uh, है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेज़ अब ये बेसिकली प्रोटीन प्रोटीन कह रही कैरियो सॉरी न्यूट्रिएंट्स पे आ जाते हैं कि मतलब पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से क्या होता है क्या सिम्टम्स हैं ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा ठीक है इसको ध्यान से समझिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का सो हाउ विल यू रिकोगनाइज अ न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी डिसीज वॉट आर द सिक्वेंस ऑफ डेफिशेंसी डिसीज लेटर्स डिस्कस दीज डिसीज़ वन बाय वन ठीक है पहला है हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पी ई एम ठीक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शॉर्ट फॉर्म है पी ई एम सो प्रोटीन और एनर्जी की कमी होना सिंपल ये तो समझ में आ गया है ना सो पी ई एम इज़ वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री हमारे देश में जो है पी ई एम जैसी प्रॉब्लम जो है देखी जाती है ओके इट कैन अकर एट एनी एज ये आपको किसी भी उम्र में देखने को मिलेगा चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या जवान हो एडोलसेंट हो या कोई बूढ़ा आदमी हो ठीक है बट इट मेनली अफेक्ट्स अ यंगर चिल्ड्रेन लेकिन ज़्यादा केसेस इसके छोटे बच्चों में देखे जाते हैं इट रिज़ल्ट ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इसका रिजल्ट क्या होता है एक तरह से आपके आ, बॉडी में एनर्जी और प्रोटीन की कमी होना लैक ऑफ प्रोटीन अलोन इन द डाइट या आप डाइट ले रहे हो लेकिन आपकी डाइट में प्रोटीन ही नहीं है ठीक है यू में आस्क हाउ आर प्रोटीन एंड एनर्जी डेफिशंसी रिलेटेड ठीक है तो प्रोटीन और एनर्जी जो है दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं ये अगर पूछा जाए तो एक्चुअली एनर्जी डेफिशंसी कैन कॉज प्रोटीन डेफिशंसी तो एनर्जी की कमी होना मतलब प्रोटीन की कमी होना ठीक है इसलिए एक तरह से ये दोनों को साथ में ही लेकर बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन से कहीं ना कहीं हमें एनर्जी डेफिनेटली एनर्जी मिलती है ठीक है प्रोटीन हम खाते हैं हमारे अंदर ताकत आती है तो एनर्जी की कमी होने का सीधा सा इंडिकेशन ये जाता है हिंट ये जाता है कि हाँ आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है ठीक है इसलिए ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं अस सी हाउ दिस हैपन्स कैसे होता है ये द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ठीक है वेन दीज आर नॉट प्रेजेंट इन एडिकुएट अमाउंट इन द डाइट द बॉडी कैन नॉट मीट इट्स एनर्जी नीड्स मतलब बेसिकली हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फ़ैट से मिलती है जब ये आपकी डाइट में मौजूद नहीं होता सही अमाउंट में या होता ही नहीं है तो एक तरह से आपकी एनर्जी की जो uh, मतलब जो आपकी बॉडी की नीड होती है एनर्जी की वो नहीं मिल पाती है ना इट दैन यूजेज प्रोटीन फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी सो बेसिकली यहाँ पे सिंपली आपको समझाते हैं सप्लाई द सप्लाई ऑफ एनर्जी देयर बाय रिजल्टिंग डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी हैंस पी सो इजिली यहाँ पे ये समझिए जैसे पहला सेंटेंस लिखा है द बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद में रखिए कि आ, जो आपको एनर्जी मिल रही है वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिल रही है ठीक है बेसिकली प्रोटीन कहाँ पर आता है जब आपके बॉडी में सही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट नहीं जाता ठीक है वो आपकी डाइट में जब कमी होने लगती है आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए होता है आप उसे जब देते नहीं हैं तब बेसिकली हमारा प्रोटीन वहाँ पर काम आता है एनर्जी के पर्पज़ पर ठीक है वो फिर हमारी एनर्जी जब हमारे अंदर जो आ रही होती है वो प्रोटीन पूरी करने लगता है तो जहाँ पे प्रोटीन का मेन काम होता है वो कम होने लगता है प्रोटीन ज्यादा खर्च होने लगता है हमारी बॉडी का और अगर हम उतने ही लिमिट में प्रोटीन फिर ले रहे हैं तो बेसिकली फिर वो प्रोटीन एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोटीन भी खत्म हो जाता है और फिर हम एक तरह से बीमार होने लगेंगे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी थकावट बहुत जल्दी जल्दी फील होने लगेगी इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हमें अपनी बॉडी में दिखाई देने लगेंगे ठीक है तो बेसिकली सीधा से ये मैं मेन पॉइंट आप लोग को हाईलाइट कर रही हूँ आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलती है ठीक है जब ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में सही मात्रा पे नहीं जाती हैं तब हमारा प्रोटीन आता है हमारी मदद करने के लिए एनर्जी देने के लिए हमारी बॉडी को ठीक है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा जब ये जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तब वो हम एक तरह से पी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करने लगते हैं ठीक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन सो लो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनटेक लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी इन द बॉडी ठीक है और इसका मतलब टेबल के थ्रू समझाया गया है कि अगर आप लो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट और फ़ैट आप सही से नहीं ले रहे हैं तो तो क्या होगा आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी फिर लीड्स टू यूज़ ऑफ़ प्रोटीन फिर आपकी बॉडी क्या करेगी कार्बोहाइड्रेट फैट उससे मिल नहीं रहा तो वो प्रोटीन इस्तेमाल करना शुरू करेगी ठीक है गिविंग एनर्जी बिकॉज द दवेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज लो क्यों क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जा नहीं रहा है आप लोग दूसरे दे नहीं रहे हैं बॉडी को इसलिए वो प्रोटीन इस्तेमाल करने लगेगी बॉडी है ना और उसके बाद क्या होगा डेफिशियसी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोटीन भी खत्म होने लगेगा ठीक है इसलिए दैट्स वाई कहा जाता है कि बैलेंस डाइट बहुत मैटर करती है बहुत ज़रूरी है अब यहाँ पे आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी पी ई एम माल न्यूट्रिशन जो ये है ये दो तरीके के होते हैं इनको दो में डिवाइड कर दिया गया है एक है मैरसमस दूसरा है कॉशियोरकर ठीक है सो ग्रोथ रिटार्डेशन and de uh, decrease sorry decrease in amount of muscle are seen in both marsmus as well as kwashiorkor can you say why yes you are right for the uh फूड दैट दिस चिल्ड्रेन ईट इज़ डेफिशेंट इन एनर्जी फूड एनर्जी फूड्स एंड प्रोटीन आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी सो बेसिकली ये बॉडी में जो ग्रोथ रिटारडेशन रिटारडेशन मतलब कमी होना ठीक है ग्रोथ ना हो पाना उसे हम ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं इनको दो तरीके में डिवाइड किया गया है एक है मैरसमस और दूसरा है कौशिओकर ठीक है so, सो इनमें डिफ्रेंस क्या होता है बेसिकली आ, सिंपली बोला गया है कि अमाउंट ऑफ मसल्स आर सीन इन बोथ मैरसम मैरसमस एंड एज वेल एज़ कॉश्योर का मतलब कि मसल्स की कमियाँ कमियाँ होना शुरू हो जाती है अगर इस तरह की प्रॉब्लम से कोई बच्चा सफ़र कर रहा होता है तो ठीक है डिफरेंस क्या है सिंपली टेबल देख के समझ में आ जाएगा जैसे पहला है कॉजिज़ में मैरासमस uh, का कि डिफिशंसी ऑफ ग्रोथ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन तो आपकी बॉडी में दोनों ही चीज़ों की कमी होने लगेगी लाइक एनर्जी और प्रोटीन दोनों की लेकिन अगर कौशियोर्कर टाइप की दोनों काइंड ऑफ डिसीजेज़ हैं आप डेफिशिएंसी डिसीज़ समझ लीजिए कि इस तरह की प्रॉब्लम या तो किसी एक बच्चे को मैरेस्मस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है या कौशियकर ठीक है और एज ग्रुप भी इसमें देखो डिवाइडेड है जैसे कि मैरिस्मस जैसी प्रॉब्लम कौन सी उम्र के बच्चों में देखी जाएगी बिफोर ट्वेल्व मंथ्स ऑफ एज ठीक है बारह महीने से कम का जो बच्चा होगा उसमें ये मैरसमस जैसी प्रॉब्लम देखी जाएगी अगर ऐसी होती है तो प्रॉब्लम और कौश्योरकर क्या है यंग चिल्ड्रेन जो होते हैं एक से तीन साल के ठीक है एक से तीन साल के चार साल के बच्चे जो होते हैं उनमें ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसे कौश्योरकर बोला जाता है ठीक है ये एज ग्रुप आप लोग ध्यान में रखिएगा दूसरा हाँ इसमें कौशो और कर में दूसरा डिफिशेंसी क्या है प्रोटीन अकेले प्रोटीन की कमियाँ होना ठीक है दूसरा साइन एंड सिम्टम्स क्या है लूज एंड रिंकल्ड स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ फैट बिनिथ द स्किन आप बच्चे की स्किन जो है इतनी सी उम्र में एकदम लूज सी रहेगी टाइटनेस नहीं रहेगी स्किन में रिंकल्ड ठीक है जैसे रिंकल से आ जाते हैं उस टाइप से रहेगी अगर ये प्रॉब्लम है उस बच्चे को तो और कौशी ऑर्कर में अगर बच्चा एक से तीन या चार साल का है तो उसको क्या होगा ओडेमा स्वेलिंग ड्यू टू वाटर एक्यूमिले एक्यूमिलेशन इन द बॉडी स्पेशली ऑन फेस आर्म्स एंड लेग्स मतलब एक तरह से सूजन रहे रहे गी, स्वेलिंग रहेगी ठीक है और इसी तरह से पॉट बैली लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख ना लगना ठीक है और इसमें क्या है मैरसमस में शंकिन एब्डोमेन, पेट एकदम मतलब कि Uh, अंदर घुस जाएगा उसका एकदम रिप रिपकेज जैसे हल्का हल्का हड्डी दिखने लगती है उस तरह से उसकी हालत हो जाएगी लुक वाइज और हंगर डायरिया इस तरह की प्रॉब्लम्स होना और इसमें क्या है कौशी और करमें कि स्किन रैश विच चेंस टू पील ऑफ मतलब कि स्किन रैश हो जाएगी खाल निकलने लगेगी लाइट कलर्ड हेयर बाल के रंग कलर जो है वो हल्का हल्का हो जाएगा कलर बाल का विच आर ईजी टू पुल और बाल झड़ने भी लगेंगे मतलब ज़रा सा खींचा तो टूट जाएगा लीवर इन्ार्जमेंट तो बहुत तरह की इस तरह की सिम्टम्स जो हैं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है तो कौशी औरकर और मैरसमस ये दोनों एक तरह की बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों में देखी जाती हैं एज ग्रुप आप लोग ध्यान में रखिएगा और किसका क्या सिम्टम होता है किस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोग टेबल में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ठीक है तो आपको क्लियर रहेगा दीज आर द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पी ये क्या है ये दोनों बीमारियाँ एकदम हाई लेवल पे पहुँचने के बाद ये प्रॉब्लम होती है ठीक है मतलब बिल्कुल भी अगर बच्चे का टेक केयर नहीं किया गया तब इस लेवल पे बच्चा पहुँचता है कि एकदम से उसकी हालत खराब हो चुकी होती है ठीक है बहुत छोटा है तो मैरिसमस और दो तीन साल का है चार साल का है तो कौशी और कर इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक है दे कैन इवन लीड टू डेथ इतना बुरा हाल हो जाता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है द मिल्डर फॉर्म्स ऑफ पी एम आर मच मोर कॉमन एंड आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन एंड अदर न्यूट्रियन डेफिशंसीज ठीक है तो ये बेसिकली यहाँ तक आप लोग को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है कहीं पे इसमें अगर आप लोग को डाउट होता है कुछ पूछना है आप लोग को तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा मैं आप लोग को बता दूँगी और अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग मुझे बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसके आगे की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँगी सारी चीज़ बता दूँगी ठीक है और चैनल पे न्यू हुए तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालू तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी स्ट्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग